पुलिस ने देह व्यापार के बड़े मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि एक नाबालिग लड़की को काम दिलाने के बहाने कुछ लोगों ने उसे बेच दिया था और जहां उसे बेचा गया था वहां उसका शारीरिक शोषण किया जाता था, उसके साथ मारपीट कर देह व्यापार कराया जाता था। पुलिस ने इन मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये मामला काशीपुर का है जहां पास्को एक्ट के तहत देह व्यापार के मामले में 9 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस मामले में पीड़ित युवती ने बताया है कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है। वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है, उसके घर में कमाने वाले कोई नहीं है, इसलिए वो काम की तलाश में शकील, सलीम और विजय ड्राइवर से मिली, लेकिन इन लोगों ने उसे काम दिलाने के बहाने गुड़िया रेहान और फरीदा को बेच दिया था। गुड़िया और उसके साथी पीड़ित युवती के साथ अत्याचार करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे और उससे देह व्यापार कराते थे। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने युवती को चंडीगढ़ में भी बेच दिया था, लेकिन वहां उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसे वापस काशीपुर लाया गया था, जिसके बाद युवती ने अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित को चंडीगढ़ में बेचने वाले दो आरोपियों रेहान और गुड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक पीड़िता के संबंध में राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष जो सारा बानो मैम है, उनको सूचना दी गई थी। एक पीड़िता के संबंध में उन्होंने हमारे आईजी रेंज महोदय से संपर्क किया, महोदय के आदेश पर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर हमने तत्काल एक टीम बनाई। तो पीड़िता से बात करने पर जो पता चला कि ये नाबालिग लड़की है, इसको मुरादाबाद के एक सलीम नाम के व्यक्ति ने उसके माँ बाप को प्रलोभन दे करके कि इसको नौकरी दिलाएंगे और अच्छा जीवन यापन करेगी और आपकी भी मदद करेगी, ये लेके आते हैं मुरादाबाद और ले आने के बाद इस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। करने के बाद फिर वो मुरादाबाद के ही रहने वाले, जो कि वर्तमान में भी काशीपुर में रह रहा है, रेहान और उसकी पत्नी जो गुड़िया है उसके, वो ये लोग बेच देते हैं। बेचने के बाद फिर इनके द्वारा उस लड़की के साथ जगह जगह इमोरल एक्टिविटी कराई जाती है। उसके बाद से फिर रेहान के द्वारा इस लड़की को चंडीगढ़ में कोई एक महिला है उनको बेचा जाता है। बेचने के बाद फिर ये लड़की जा करके चंडीगढ़ में बहुत दिन तक इसके शारीरिक शोषण किया गया। इसी बीच में जब लड़की की तबीयत खराब होती है तो चंडीगढ़ से फिर ये ले आकर के और इसको काशीपुर में छोड़ देते हैं। उसी में फिर ये पीड़िता किसी लड़की के संपर्क में आई थी जिन्होंने सूचना दी है। इसकी सूचना पे अभी चूंकि पीड़िता की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है और इसको हमने अस्पताल में एडमिट करा रखा है, प्राथमिक तौर पर जो पूछताछ में 6 नाम आया है हमने 6 को अभियुक्त बना करके मुकदमा लिखा है 363, 366 ए और इसके अलावा 372, 373, 523, 504, 506 IPC में सभी गंभीर अपराध की धाराएं हैं। और इसमें जो दो पति पत्नी हैं रेहान और गुड़िया, इनकी हमारे द्वारा अरेस्टिंग की गई है। बाकी जो 4 हैं उनके लिए भी हमारी टीमें दबिश दे रही हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।